So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की. ये 10 क्वेश्चंस आप देख सकते होंगे और ये 10 क्वेश्चंस जब आप करके जाएंगे तो यकीन मानिए आसानी से आप स्कोर कर पाएंगे. आसानी से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एटलीस्ट जब ये 10 क्वेश्चंस पढ़ोगे तो इनकी वीडियोस देखोगे. ब्लू मार्कर से आप देख सकते होगे मैंने वो पार्ट लिखे हैं जहां पर मैंने इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है. तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाके जो मेरे चैनल में प्रेजेंट है जिसमें टोटल 20 वीडियोस हैं उसमें से जब आप ये ब्लू कलर्ड वाली जो लिखी हुई पार्ट्स हैं उनको जब आप पढ़ के जाएंगे तो आसानी से आप 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे. यकीन मानिए इस बात के लिए. सो बहुत जरूरी है कि ये 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप करके जाएं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं, इनको समझ के जाएं इसमें किस तरीके से कंटेंट लिखना है. तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी रिसर्च की गई सैंपल पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को टटोला गया और फिर देखा गया कि भाई ये क्वेश्चंस जो है वो लगातार रिपीट हो रहे हैं. अब किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आंसर जो है वो आपको सेम ही लिखना है और समझ में आ जाएगा आपको कि भाई ये क्वेश्चन किस बारे में है. सो ये 10 क्वेश्चन जो है वो आज हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे वीडियो में, जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे. But before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, you can join it. Link is in the description box. Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं मेरे से personally connect करने के लिए. So let's start. पहला question आप देख सकते हैं यहाँ पर. What do you mean by business communication? Business communication का subject ही है तो सबसे पहले ये एक जो important question है, एक very common topic, a very basic topic that you need to cover here is what exactly is this business communication and how important communication is in business. किस तरीके की importance, किस तरीके का role जो है communication का रहता है business के अंदर और कितना significant role ये play करता है business के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है. तो वो आपको मैंने अच्छी तरीके से explain किया along with the objectives of communication in business in the part 1 of this playlist business communication which is present in my channel. You can just go there and watch that part for this question, part number 1, which is very general or very basic or बहुत important है. क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, किसी भी question में कोई ऐसा complicated question आ गया जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, but at least वो है किसमें, overall subject क्या है business communication का, तो at least you can write something about business communication. कुछ खाली नहीं छोड़ना. एटलीस्ट भाई आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कोई आ गया, आप खाली नहीं छोड़ रहे, आपको कुछ पता है अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन. अब वो सब्जेक्ट के बारे में एग्जामिनर देखेगा भाई सब्जेक्ट के बारे में तो इसको नॉलेज है थोड़ी बहुत, इस क्वेश्चन के बारे में भरे ही नहीं है तो इसको चलो नंबर दे देते हैं. तो छोड़ना नहीं है, जहां तक भी कर सकते हैं कोशिश पूरी करनी. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इज व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द बिजनेस वर्ल्ड एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव्स. उनको बस थोड़ा सा आपको देख लेना है, दैट्स व्हाई मैंने ब्रैकेट में लिखा. सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेट करने के दो ही तो फॉर्म्स हो सकते हैं, इट कैन बी ओरल और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. लाइक यहां पर मैं रिटन कम्युनिकेशन भी कर रहा हूं, ओरल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूं. सो उसको अच्छी तरीके से समझिए पार्ट 2 और 3 में जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में. सो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यू गेट दैट वीडियो, यू कैन सी दैट वीडियो इन पार्ट 2. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में मैंने वहां पर आपको बताया. फोर्थ, कम्युनिकेशन प्रोसेस, किस तरीके से कम्युनिकेशन एक कुछ स्टेप्स फॉलो करता है सेंडर से होते हुए रिसीवर तक और वापस से चीजें सेंडर तक पहुंचती हैं थ्रू फीडबैक. तो ये सारी चीजें कोडिंग डीकोडिंग किस तरीके से चल रही हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. स्लाइड की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पार्ट 6 में. Then आता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मॉडल्स. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली 7.5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है पार्ट 5 में. कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है, क्योंकि डेफिनेटली कम्युनिकेशन के लिए कुछ रुकावटें भी होती हैं, वो रुकावटों को पढ़ना जरूरी है. कम्युनिकेशन बैरियर्स आपको पार्ट 4 में मिलेगा. अब देखो ये जो
सेवेंथ में मैंने ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो ये शॉर्ट नोट्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में मेनली तीन में पूछ दिए जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा ये 7.5 में पूछ लिए जाएंगे। अगर एक साथ पूछा इन सबको तो भाई ये 15 में पूछे जा सकते हैं, बट मोस्टली इनको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो आप इनके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आपको तैयार करना है, ग्रेप वाइन ऑल्सो नोन एज र्यूमर पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, मॉक इंटरव्यू के बारे में समझिए पार्ट 10 में मैंने एक्सप्लेन किया है, इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेजेंटेशन के बारे में पार्ट 8 में एक्सप्लेन किया है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, पैरा लैंग्वेज क्या होती है। पार्ट 16 और 17 देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज एंड व्हाट इज पैरा लैंग्वेज। इसी ने चीख मारी पड़ोसी ने। बिजनेस लेटर्स के बारे में पार्ट 14 में एक्सप्लेन किया है। पता है क्या होता है कि भाई जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना तभी आवाजें आ रही होती है पड़ोसियों में, तभी उनके घर की कुकर की सीटी बज रही होती है, तभी उनको छींक आ रही होती है, तभी वो गेट खोल रहे होते हैं, और जब मैं वीडियो नहीं बना रहा होता हूँ कुछ और कर रहा होता हूँ वो बिल्कुल शांत रहते हैं। और जैसे ही यहाँ पर मैं आता हूँ व्हाइट बोर्ड के सामने और सामने कैमरा लगाता हूँ शोर मचना स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों। एट पार्ट कुकर की सीटी, एक पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा ही पूछा जाएगा। पार्ट 15 में एक्सप्लेन किया है रेज्यूमे राइटिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई रेज्यूमे के बारे में आपको कुछ कुछ अंदाजा अब लग जाए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप उस स्टेज में पहुंच जाओगे जहां पर आपको खुद के लिए रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। सो रेज्यूमे राइटिंग पता होनी चाहिए, इंटरव्यू डूज एंड डोंट्स पता होनी चाहिए, कल को इंटरव्यू दोगे ना। पार्ट 19, पार्ट 10 मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या है, पार्ट 20 यानी कि द लास्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को। तो ये 10 क्वेश्चंस करके जाइए, अच्छे मार्क्स लेके आइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए बाद में आके कि भाई इन क्वेश्चन में से हाँ हाँ सर ये क्वेश्चन आए हैं और हमने बढ़िया से किया है अटेम्प्ट। सो साथ ही एक वीडियो जहां पर मैंने आपको बताया कि हाउ टू राइट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, हाउ टू राइट इन योर सेमेस्टर एग्जाम लाइक अ प्रो, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।